यूपी के घोषी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत हुई है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की 42,672 वोटों से बम्पर जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को सुधाकर ने हराया है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 1,24,295 वोट मिले, वहीं बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 81,623 वोट मिले हैं। 33 राउंड की गिनती के बाद सुधाकर सिंह की जीत हुई है। वहीं सपाइयों ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां बांटकर खुशी मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद आज वोटों की गिनती चल रही थी। वोटों के रुझान के समय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह आगे चल रहे थे, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान दूसरे नंबर पर थे। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि घोसी की जनता ने दारा सिंह को सबक सिखा दिया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की पुलिस के छपरौला गाँव में हुई महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की सास ने ही अपराधियों को सुपारी देकर करवाई थी। वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े दो अपराधियों को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया है। मृतक महिला का नाम सोनी था। घटना बादलपुर थाना क्षेत्र के छपरौला गांव की। झांसी में 3 दिन से लापता महिला का शव एक कुएं में मिला। महिला के शरीर से 2 अजगर और 3 सांप लिपटे हुए थे। कुएं में महिला के शव जिसने भी देखा हैरान रह गया। हालांकि ज्यादा गहराई होने पर सांप व अजगर होने की वजह से शव को निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक महिला 3 दिनों से गायब थी। पुलिस भी खोजबीन में लगी थी। घोसी उपचुनाव की काउंटिंग के दौरान वाराणसी में सपा के सहयोगी दल राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर पर कालिख पोती। कार्यकर्ताओं ने सुभाषपा प्रमुख के खिलाफ नारेबाजी भी की। यूपी के कानपुर से अजीब मामला सामने आया है। कानपुर देहात के भावपुर मैथा रेलवे स्टेशन पर एक युवक के कारनामे की वजह से संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे करीब 17 मिनट तक खड़ी रही। दरअसल युवक के हाथ में दर्द था और वो 5 किलो का देशी घी का डिब्बा लिए हुए था। वो लगातार उसे पकड़े रहने में असमर्थ था, इसलिए उसने ट्रेन की बोगी में लगी चेन पुलिंग वाले चेन से देशी घी के डब्बे को बांध कर टांग दिया। डिब्बे के भारी होने की वजह से चेन नीचे की तरफ खिंच गई और ट्रेन रुक गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या के लोगों को जटायु क्रूज की सौगात मिली है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस क्रूज पर एक बार से 100 यात्री लोग सफर कर सकेंगे। पर्यटक जलमार्ग के लगभग 18 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। एक और जटायु क्रूज को लेकर जहां लोगों में उत्साह है, वहीं इसी साल गंगा विलास क्रूज ने 50 दिनों की 3200 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। नदी में सफर के दौरान गंगा विलास क्रूज की भव्यता को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। यूपी में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। झांसी में शुक्रवार सुबह झमाझम बारिश हुई। दोपहर में लखनऊ और वाराणसी में भी तेज बारिश हुई। यहाँ सुबह से कभी भी धूप निकल रही है तो कभी बादल छा रहे हैं। वहीं अयोध्या में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 किशोरों की मौत हो गई। मैनपुरी में एक पति अपनी बीवी से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी बीवी के आतंक से बचने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। आरोप है कि उसकी पत्नी दारू और बियर पीकर रोज हंगामा करती है और नशे में होने के बाद काफी उल्टी सीधी हरकतें करती हैं, जिससे आसपास के लोगों को भी परेशानी होती है। या तो उसकी पत्नी दारू को की लत छुड़ा दी जाए या फिर गांव में फोर्स की व्यवस्था की जाए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोतवाली कुरावली क्षेत्र के एक गाँव का मामला है। काशी विश्वनाथ मंदिर को भक्तों ने इस सावन दिल खोल कर दान दिया है। मंदिर को पिछले सावन की तुलना में इस बार 5 गुना दान मिला है। पूरे सावन में यहां 1,63,00,000 से ज्यादा शिव भक्तों ने माथा टेका। इन भक्तों ने 16,89,00,000 रुपए दान किए। पिछले साल सावन में यह चढ़ावा 3.40 करोड़ रुपए था। हालांकि इस बार सावन के दिन भी पिछले साल के मुकाबले दुगने थे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पब्लिक न्यूज़ टीवी।